हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ राइस खीर, जिसे साउथ इंडिया में पायसम भी कहा जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया है। अब मैंने कुछ केसर भिगाया था रोज़ वाटर में, मैं इसे डाल दूँगी और अच्छे से मिला के उबाल दूँगी। कम से कम मैंने यहाँ पर 15 से 20 मिनट इसे उबाला है मीडियम आँच में, ताकि दूध थोड़ा सा थिक हो जाए। अब यहाँ पर मैंने आधा कप राइस लिया है चिन्नौर। आप चाहे तो बासमती राइस भी ले सकते हैं या कोई भी नॉर्मल राइस। इसे 2 से 3 बार वॉश कर लीजिए और पानी डाल के 15 मिनट तक सोख होने के लिए रख दीजिए। अब हम एक ड्राई क्लॉथ लेंगे और यही राइस को हम एक्सेस वाटर ड्रेन करके बाकी का राइस सोखने के लिए रख देंगे। इसे आप फैन के नीचे 15 से 20 मिनट रख दीजिए, ताकि ये हल्का वाटर एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम पैन में 2 चम्मच घी लेंगे और हमने जो राइस पंखे के नीचे रखा था थोड़ी देर सोख होने के लिए, ड्राई होने के लिए, वो हम डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे तब तक मिलाना है जब तक राइस थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। बेसिकली जब आप मिलाओगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना हेवी है मिलाने को, लेकिन जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब होते रहता है राइस लाइट हो जाता है और ईजिली हल्का भी हो जाता है वो। इसे करीबन 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो फ्लेम है वो मीडियम ही रहे। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब जो हमने दूध उबालने रखा था केसर वाला, उसमें हम ये फ्राइड राइस डाल के मिला लेंगे। हमें इस राइस को केसर वाले दूध में उबालना है और अच्छे से पकाना है। जब तक हम एक दूसरा पैन ले लेंगे, उसमें 2 छोटे चम्मच हम घी डालेंगे। फिर हम इसमें चॉप नट्स डालेंगे, जिसमें मैंने काजू, बादाम और किशमिश लिया है। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। हमारा फ्राइड नट्स रेडी है, हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। अब उसी पैन में मैंने यहाँ पर 1 कप मिल्क मेड लिया है। अब हम इसे कैरमलाइज होने देना है। हमें लो फ्लेम रखना है और कंटिन्यूसली मिलाना है। अब देखोगे कि ये गाढ़ा होने लग गया है और कलर भी चेंज होने लगा है, थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड आ रहा है। हमें ऐसे ही मिलाते रहना है इसे। यदि आपके पास मिल्क मेड ना हो तो कोई बात नहीं, आप शुगर को भी कैरमलाइज करके यूज़ कर सकते हैं इस खीर में। अदरवाइज़ जब हमारा पूरा खीर रेडी हो जाएगा, यानी कि हमारा राइस कुक्ड हो जाएगा मिल्क में, उसके बाद आप शुगर डाल के फिर से उबालने रख दीजिए। ये देखिए हमारा मिल्क मेड अभी और गाढ़ा हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी खीर है। इसके भी शॉर्टकट मेथड्स है खीर बनाने के लिए। कोई कोई लोग डायरेक्ट राइस को है ना पानी में ही उबालते हैं, बट मैंने ये वो ट्राई किया है, मुझे इतना पसंद नहीं आया है। टेस्ट एक्चुअली दूध में जो उबाला हुआ राइस है उसी का ज़्यादा पसंद है। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। देखिए ये अब गाढ़ा हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे हमारा बॉइल करा हुआ राइस विथ मिल्क और इसे थोड़ा सा स्मैश कर लेंगे, ताकि जो हमारा मिल्क है वो और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। जब हम राइस को मैश करते हैं तो उसका थिकनेस और ज़्यादा बढ़ता है। ये देखिए हम अच्छे से मिला लेंगे इसे। ये स्टेप आप तभी कीजिए जब आपका राइस पूरी तरीके से पक जाए, वरना वो स्मैश नहीं होएगा। अब हम इसमें बाकी बचा हुआ बॉइल्ड राइस डाल देंगे मिल्क के साथ और करीबन हमें 15 से 20 मिनट इसे और उबालना है मीडियम फ्लेम में। ये देखिए राइस का भी कलर कैसे येलो आ चुका है केसर के कारण। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपको मीठा कितना लग रहा है। मैंने और 1/2 कप डाला है मिल्क में।
हमें इसे उबालना है मीडियम आंच में 15 से 20 मिनट। हमें इसमें एक बड़ा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और मिला लेंगे। पंद्रह से बीस मिनट होने के बाद हम इसे स्मैशर से स्मैश करेंगे। इसे दाल घोटनी बोलते हैं। राइस खीर में हमें ध्यान रखना है कि हमें राइस के दाने एकदम सहके हुए नहीं चाहिए, इसके लिए हम ये दाल घोटनी का यूज़ करते हैं या कोई भी स्मैशर का, ताकि जो राइस के जो दाने हैं वो टूट जाए और हमारे मुंह में इवनली आए। खीर का स्वाद ऑल एनहांस हो जाता है इसके कारण। अब हम इसमें हमारे फ्राइड नट्स डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें जायफल डालेंगे। हमें पूरा एक जायफल नहीं डालना है, हमें जस्ट आधा जायफल को हमें ग्रेट करके डालना है। अब मिला लेंगे। आप चाहे तो ये स्किप भी कर सकते हैं यदि आपको जायफल का फ्लेवर ना पसंद हो, पर मैंने यहाँ पर आधा से थोड़ा सा कम डाला है जायफल ग्रेट करके। ये काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है खीर में। इसे हम मिला लेंगे और फिर से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए हमारा खीर अभी रिड्यूस हो चुका है और फ्लेवरफुल हो चुका है 5-10 मिनट के बाद। अब ये रेडी है। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।